Hello students, welcome back to my channel again. In this lecture I am going to discuss type of halides, that is to say dihalides, trihalides and tetrahalides. Okay, so first of all there is two types of dihalides. One is vicinal dihalide and second one is gem dihalide. So what do you mean by vicinal dihalide? If two halogens attach with the adjacent carbon atoms, that is known as the vicinal dihalide. जैसे देखो, अगर मान लो वी हैव टू हेलोजन्स, ठीक है, दैट इज अटैच एट द एडजेसेंट पोजीशन. देखो एक्स एक यहां पे, एक एक्स यहां पे है, तो इसको बोलेंगे विसिनल डायहलाइड. जेम डायहलाइड मींस इफ टू हेलोजन अटैच विद द सेम कार्बन एटम, दैट इज नोन एज द जेम डायहलाइड. ठीक है, तो जेम डायहलाइड मीन्स वॉट? इफ टू हेलोजन्स अटैच विद द सेम कार्बन एटम, दैट इज नोन एज द जेम डायहलाइड. एंड विसिनल डायहलाइड मीन्स इफ टू हेलोजन अटैच विद द एडजेसेंट कार्बन एटम, दैट इज नोन एज द विसिनल डायहलाइड. ओके, जैसे इफ यू टेक वन एग्जाम्पल, तो देखो जेम डायहलाइड, जेम डायहलाइड के जो एग्जाम्पल है वो है देखो CH3CHX2 इथाइलिडीन डाइहलाइड. ये जेम डायहलाइड के हैं क्योंकि एक ही कार्बन से दो हेलोजन अटैच है, CHX CHX. एक ही कार्बन से कितने हेलोजन अटैच हैं? दो हेलोजन, तो इसको बोलेंगे इथाइलिडीन डाइहलाइड. ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, देखो इसका अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 हाइपेसी नंबरिंग, तो 1 पे दो हेलोजन ग्रुप है तो लिखेंगे 1,1 डाई हेलो, और इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है? इथेन. तो इसका अगेन ये देखो ये नाम दिया हुआ है यहां पे 1,1 डाई हेलो इथेन. ठीक है, क्लियर. देखो दूसरा एग्जांपल है आइसोप्रोपाइलिडीन डाइहलाइड या 2,2 डाई क्लोरोप्रोपेन. देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें, जैसे मान लो सीएल हम लगा दें, तो इसको हम लिखेंगे 1,2. ठीक है, क्लियर. तो देखो अब इसका अगर हम नेमिंग करें तो पेरेंट चेन सबसे बड़ा लेंगे, तो ये देखो नंबरिंग मैंने गलत कर दी, 1, 2 एंड 3. तो इसका पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 3. तो 2 पे क्या है? 2 क्लोरीन है, तो लिखेंगे 2,2 डाई क्लोरो, 2,2 डाई क्लोरो मेथ एथ प्रोप, इसका नाम होगा प्रोपेन, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन. क्लियर, ठीक है. तो ये है, इट्स ए टाइप ऑफ जेम डायहलाइड. नाउ इफ यू टॉक अबाउट विसिनल डायहलाइड, देन आई टोल्ड यू दैट इफ टू हेलोजन अटैच विद द एडजेसेंट कार्बन एटम, दैट इज नोन एज द विसिनल डायहलाइड. लेट अस टेक वन एग्जांपल, जैसे ये है CH2X CH2X, इसको बोलेंगे इथाइलीन डाइहलाइड या 1,2 डाइक्लोरोइथेन. नंबरिंग अगर हम करें 1,2, तो 1 पे भी हेलोजन है, 2 पे भी हेलोजन है, दैट इज नोन एज 1,2 डाई हेलो इथेन. अगर हम सीएल लगा दें तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन भी बोलेंगे. अब ये भी देखो अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो यहां 1, 2, 3, ठीक है, तो 1,2 डाई हेलो प्रोपेन. क्लियर, जैसे एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, जैसे मान लो ये अगर मैंने इसको अगर हमें इसका नंबरिंग करनी है, इसका नेम बताना है, ठीक है, तो ये भी क्या है? इट्स ए टाइप ऑफ विसिनल डाइहलाइड एंड इट्स आईयूपीएसी नेम इज व्हाट? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन. नाम क्या है? 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन. क्लियर. चलो अब थर्ड जो है डाइहलाइड है α,ω डाइहलाइड्स. ओमेगा मींस एडजेसेंट टू एडजेसेंट पोजीशन पे अगर जाए, जैसे देखो अगर हमें इसका नाम करना है, जैसे मान लो यहां पे हमने सीएल कर दिया, यहां पे हमने सीएल कर दिया, तो एडजेसेंट पोजीशन नहीं है, एडजेसेंट टू एडजेसेंट पोजीशन है, तो इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5. तो ये जो है अल्फा, देखो ये पोजिशन अगर अल्फा है तो ये बीटा है और ये क्या है? गामा है. ठीक है, जैसे मान लो एक दो और कार्बन हम ले लेते हैं, जैसे एक दो और एग्जांपल, जैसे मान लो एक सीएल हमने यहां लगा दिया और एक सीएल यहां लगा दिया, तो पूछा जाए इसका, देखो अल्फा बीटा गामा डेल्टा और ओमेगा, तो इसको ओमेगा अल्फा ओमेगा हम डाइहलाइड बोलेंगे. ठीक है, अगर मान लो कि हमने गामा पोजिशन पे लगा दिया, एक सीएल यहां लगा दिया और एक सीएल यहां लगा दिया, तो यह अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा कमा डेल्टा डाइहलाइड बोलेंगे. ठीक है, इसका आईयूपीएसी नेम अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2,4 डाइक्लोरो पेंटेन. ठीक है, जैसे देखो ये एग्जाम्पल है,
1, 2, 3, 4 डाई हेलो ब्यूटेन, क्योंकि एक्स यहां पे क्या है, हेलोजन है, अगर क्लोरीन लगा देंगे तो हम क्या बोलेंगे, 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो ये भी तो हमने पढ़ा कि अगर एक कार्बन पे दो हेलोजन अगर अटैच हो तो उसको बोलेंगे जेम डाइहैलाइड, ठीक है, क्लियर। एक एडजेसेंट कार्बन पे अगर सीएल अटैच हो या बीआर अटैच हो या कोई भी हेलोजन अटैच हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल। और एक एडजेसेंट टू एडजेसेंट पोजीशन पे हो, ये अल्फा मान लो कि ये सीएल हो गया और ये भी सीएल हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कमा गामा डाइहैलाइड, ठीक है बेटे। तो ये है इसके टाइप्स। अब आते हैं हम प्रिपरेशन पे। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, प्रिपरेशन ऑफ डाइहैलाइड्स, ओके, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ जेम डाइहैलाइड। हाउ टू फॉर्म जेम डाइहैलाइड, व्हेन एनी एल्डिहाइड ट्रीटेड विद PCl5 देन इट विल गिव जेम डाइहैलाइड। जैसे देखो हमने ले लिया एसिटिल एल्डिहाइड CH3CHO, ठीक है, इसको हमने किसे रिएक्ट किया, PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो ये बना देगा इथाइलिडीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड बना देगा। जैसे यहां पे Cl आ जाएगा, यहां पे CO है, याद कर लो, जहां पे CO है अगर PCl5 के रिएक्शन अगर हम करेंगे CO को कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो ये जो है इस टाइप का विसिनल डाइहैलाइड, सॉरी जेम डाइहैलाइड टाइप का प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 1,2,1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसका वैसे कॉमन नेम है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी POCl3, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर। अब देखो अगर हमने कीटोन लिया, इसको PCl5 या PBr5 के साथ रिएक्शन किया, तो इस CO पे दो Br आ जाएगा। देखो अभी मैंने बताया कि कीटो ग्रुप पे या एल्डिहाइड ग्रुप पे या कार्बोनिल ग्रुप पे कोई भी PCl5 अटैक करता है तो यहां पे दो Cl आ जाता है। अगर मैं एसीटोन ले लूं, CH3COCH3 को हम क्या बोलेंगे, एसीटोन, इसको अगर हम PCl5 के साथ रिएक्शन करें तो क्या बना देगा, यहां देखो ये कीटो ग्रुप है, तो इस कीटो ग्रुप पे क्या आएगा, दो Cl आ जाएगा, CH3C, एक Cl अप आएगा, एक Cl डाउन आएगा और एक CH3 एज इट इज जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2,2 डाइक्लोरो मेथेथ प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एंड इसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, क्लियर, ओके। बाय एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्काइन्स, हमने कोई एल्काइन लिया CH CH, दैट इज एसिटिलीन या इथाइन हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हमने HBr से रिएक्ट किया तो ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, फिर HBr से अटैक किया तो यहां पे क्या रूल लगेगा, मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल ये क्या कहता है कि व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एनी अनसिमेट्रिकल एल्कीन, नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज टू से यहां पे हमने Br लिया HBr, तो Br- इज एडेड टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन्स लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पे देखो हाइड्रोजन एक है, यहां पे दो है, तो यहां पे हाइड्रोजन मतलब यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा, ठीक है। देखो हम इसको यहां पे समझते हैं, हमने लिया मान लो कि CH CH, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, HBr के साथ, तो यहां पे तो बराबर बराबर है, कहीं पे भी चला जाएगा, मान लो ये बॉन्ड ऐसे गया, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, तो यहां पे आ जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां Br आ जाएगा, तो CHBr, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो ये हो गया विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल, देखो एक्स डबल बॉन्ड वाई सिंगल बॉन्ड जेड, वाई पोजिशन इज नोन एज विनाइलिक पोजिशन, विनाइलिक पोजिशन, एंड जेड पोजिशन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजिशन, कीप इन माइंड एलाइलिक पोजिशन, ये कॉमन नेम है, ठीक है बेटा। तो देखो एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई से बी आर जुड़ा तो इसका नाम हो गया कॉमन नेम विनाइल ब्रोमाइड, ठीक है, विनाइल ब्रोमाइड। इसको फर्दर हमने HBr से रिएक्ट कराया तो देखो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यहां पे नेगेटिव पार्ट आएगा क्योंकि यहां हाइड्रोजन कम है, तो यहां पे आ जाएगा CH, एक ऊपर Br आ जाएगा, एक Br नीचे है, और यहां पे आ जाएगा CH3। तो क्या बन गया, ये बन गया जेम डाइहैलाइड। जेम का मतलब एक कार्बन से दो ब्रोमीन अटैच है, इसका यूपीएसी नेम है 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ओके। अब देखो सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया, हमने प्रोपाइन लिया, HBr के साथ रिएक्शन कराया,
CH3C triple bond CH, that is propyne. When propyne treated with HBr, again ये वाला bond ऐसे जाएगा, negative part कहाँ जाएगा? उस double bonded उस triple bonded carbon पे जाएगा जहाँ hydrogen कम रहेगा. वैसे भी देखो CH3 का plus effect है, तो bond ऐसे break होगा, यहाँ positive charge create होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Br, ठीक है? C पे आ गया Br, यहाँ पे आ गया double bond CH2, clear? और further हम अगर हम इसको HBr से react कराते हैं, imagine करो, तो further ये bond ऐसे break होगा, ठीक है? यहाँ पे plus charge जाएगा और ये Br फिर अगेन वहां पे चला जाएगा, ठीक है? तो यहां पे आ गया Br, यहां पे आ गया Br और ये CH3. आईपीसी नेम क्या है? 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, ठीक है? तो इस टाइप से हम डाइहैलाइड्स यानी जिम डाइहैलाइड्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? और विसिनल डाइहैलाइड का प्रिपरेशन फ्रॉम इथीन, दैट इज नथिंग बट इथीन. इथीन को Br2 से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है? तो क्या बनाएगा? CH2Br, CH2Br. यहां पे लिख लो, व्हेन इथीन ट्रीटेड विद Br2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये बनाएगा CH2Br, CH2Br. ये मैंने एल्कीन में डिस्कस किया था, एक ऐसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन होगा, क्लियर? ये माइंड में रखना है, एंटी एडिशन होता है, ठीक है? तो ये बना देगा. अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, लेट इट बी प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. प्रोपीन को अगर हम Br2 से रिएक्शन कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है? तो यहां देखो, एक ब्रोमीन यहां पे आएगा, एक ब्रोमीन यहां पे आएगा, एडिशन कैसा होगा? एडिशन विल बी एंटी एडिशन, ओके? तो इट्स अ टाइप ऑफ विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है? विसिनल डाइब्रोमाइड है. आईपीसी नेम अगर लिखना है तो हम लिखेंगे 1,2 डाइब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन. इज इट ऑल राइट? 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन, क्लियर? बाय द एक्शन ऑफ PCl5 ऑन ग्लाइकॉल्स, विसिनल डाइऑल. देखो, ग्लाइकॉल पे PCl5 का रिएक्शन कराएंगे तो CH2Cl, CH2Cl, एक Cl यहां पे आएगा और एक Cl यहां पे आएगा और ये POCl3 निकल जाएगा. देखो, CH2OH, CH2OH, हमने इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? PCl5 के साथ. क्या प्रोडक्ट बनाएगा? CH2Cl, CH2Cl, और इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? वो बन जाएगा POCl3 और HCl, क्लियर? ये इसका हो गया बाई प्रोडक्ट. टॉपिक इज फ्रॉम साइक्लोएल्केन. देखो, व्हेन साइक्लोप्रोपेन ट्रीटेड विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल गिव 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है? अब देखो क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर 3 की हम रिंग ले तो इसमें, इस रिंग में अनस्टेबल रिंग है, अनस्टेबल रिंग है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन ज्यादा होगा. क्यों अनस्टेबल है? बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी. थोड़ा सा देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं. यहां पे देखो, ये एक ट्रेंगल जो बन रहा है वो कैसा ट्रेंगल बन रहा है? इक्विलेटरल ट्रेंगल. तो बॉन्ड एंगल शुड बी 60 डिग्री, ओके? बट दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एंड फॉर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. इट मीन्स वॉट? कि इस रिंग में एंगुलर स्ट्रेन ज्यादा है. ड्यू टू एंगुलर स्ट्रेन ये रिंग क्या है? हाईली अनस्टेबल है. ये तुरंत खुलना चाहेगी, ठीक है? बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री, बट इसमें बॉन्ड एंगल कितना है? 60 डिग्री है. इसीलिए इस रिंग में स्ट्रेन ज्यादा होगा. स्ट्रेन के चलते जब भी हम क्लोरीन से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा. बॉन्ड ब्रेक होगा, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देगा और ये क्या बना देगा? CH2Cl, CH2, CH2Cl, ठीक है? सिमिलरली अगर हम फोर रिंग की बात करें, इस रिंग में भी क्या है? स्ट्रेन ज्यादा है, बिकॉज बॉन्ड एंगल इसमें कितना है? 90 डिग्री. यस, बॉन्ड एंगल कितना है? 90 डिग्री. बट ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp3 के लिए बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109 डिग्री अप्रॉक्स. इट मींस इसमें भी स्ट्रेन ज्यादा है, तो स्ट्रेन ज्यादा है तो रिंग क्या होगी? ये खुल जाएगी, ठीक है? तो जब खुलेगी तो देखो, यहां से अगर हम रिंग को कट किया तो एक सीएल इस पोजीशन पे आएगा और एक सीएल इस पोजीशन पे आएगा, तो बन गया 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन. बट देखो, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा. फिफ्थ वाली रिंग रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल. व्हाई? दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज
This reaction is not possible because इस ring में bond angle कितना होगा 108 degree, इसमें strain बिल्कुल कम है, तो ये ring मतलब expand नहीं होगी, ये reaction possible नहीं होगा, तो याद कर लेना, अगर हम halogenation कराएं, तो third carbon member ring and fourth carbon member ring easily open हो जाता है, break हो जाता है, but five poly ring stable होती है, क्यों? इसमें angular strain बहुत ही कम होता है, due to less angular strain ठीक है, इसमें एंगुलर स्ट्रेन बिल्कुल कम होता है, इसीलिए ये रिंग जो है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड्स एंड स्वीट स्मेल, हायर मेंबर्स आर सॉलिड, कीप इन माइंड फर्स्ट वन इज व्हाट, लोअर मेंबर्स आर कलरलेस ऑयली लिक्विड विद स्वीट स्मेल एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड, और सेकंड पॉइंट इज व्हाट, द रिएक्टिविटी ऑफ जेम डायहैलाइड्स इज लेसर देन विसिनल और मोनोहैलाइड्स, कीप इन माइंड रिएक्टिविटी जो है जेम डायहैलाइड की कम होती है किससे, विसिनल और मोनोहैलाइड से, रीजन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ वन हैलोजन एटम स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, अदर हैलोजन एटम कैन बी सो इजिली रिप्लेस, ठीक है, क्लियर हुआ, रिएक्टिविटी ऑफ जेम डायहैलाइड लेसर होता है देन विसिनल और मोनोहैलाइड से, रीजन क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ वन हैलोजन एटम, देखो जैसे मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, इस हैलोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट है, इस हैलोजन एटम का क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट के चलते इस कार्बन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इस पे स्लाइटली का एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इसके लोन पेयर के साथ इसका अट्रैक्शन बना होगा, ठीक है, तो ये जो है क्लोरीन आसानी से नहीं निकलेगा, तो वही कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वन हैलोजन एटम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिंग माइनस आई इफेक्ट द अदर हैलोजन एटम कैन नॉट बी इजिली रिप्लेस, क्लियर समझ में आया, देखो थर्ड पॉइंट क्या है, दीज आर हैवियर देन वाटर, ये जो है वाटर से हैवियर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज पे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, पहला है एक्शन ऑफ अल्कोहलिक केवेज, ये एक बेस है और ये क्या काम करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन करेगा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करेगा, तो जब जेम डायहैलाइड या विसिनल डायहैलाइड जैसे देखो CH2Cl इसको अगर हम एल्कोहलिक केवेज से रिएक्ट कराएं या तो हम ले लें यहां पे 2 इक्विवेलेंट, तो ये क्या काम करेगा, इलिमिनेशन रिएक्शन देगा, तो हम ये कहेंगे कि ये बनाएगा CH CH, ऐसा क्यों बनाएगा, इसको यहां समझो, इलिमिनेशन रिएक्शन हैपेंस इन एंटी पेरीप्लेनर प्लेन, इज इट ऑल राइट, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऊपर से आएगा क्लोरीन नीचे से आएगा, देखो फिर हाइड्रोजन ऊपर से आएगा क्लोरीन नीचे से आएगा, बिकॉज अल्कोहलिक केवेज इज ए बेस एंड बेस ऑलवेज गिव्स इलिमिनेशन रिएक्शन एंड इलिमिनेशन रिएक्शन हैपेंस इन एंटी पेरीप्लेनर प्लेन, तो क्या बन जाएगा CH CH, वैसे ही अगर हम विसिनल डायहैलाइड के साथ करें, ये विसिनल डायहैलाइड है जेम डायहैलाइड के साथ करें CH3CH यहां पे कर लो Cl यहां पे कर लो Cl, ठीक है, अब इस H को बेटे अगर हम इस तीन H को हम ऐसे लिख लें, एक H को हम ऐसे लिख लें और एक H को हम ऊपर से लिख लें, और इसको अगर हम एल्कोहलिक केवेज के साथ रिएक्ट कराएं तो देखो ये H ऊपर से आएगा ये Cl निकलेगा, सिमिलरली ये H नीचे से आएगा ये Cl निकलेगा, तो ये क्या बना देगा CH CH, that is ethyne, ठीक है, and इसका जो by product होगा that will be 2HCl, ठीक है, H plus Cl minus, तो ये क्या करेगा, elimination reaction देगा, is it all right, चलो next topic पे चलते हैं, plus KVH, तो देखो जब ये विसिनल डायहैलाइड एक्वस केवेज से रिएक्शन करेगा इट विल गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाई, बिकॉज इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, OH- एक्वस केवेज ट्रीटेड एज न्यूक्लियोफाइल, कीप इन माइंड, तो क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ये सीएल निकलेगा यहां पर OH आएगा यहां पर OH आएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, वैसे ही अगर हम विसिनल डायहैलाइड की बात करें तो दो पोजिशन पे OH आ जाएगा, ठीक है, इसको यहां समझ लेते हैं, देखो जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है Cl, यहां पे कर लो CH2Cl, और इसको हमने रिएक्शन कराया एक्वस केवेज के साथ, देन Cl सब्स्टिट्यूट कर जाएगा OH, OH जो है Cl के पोजीशन पे आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी,
सीएल इज रिप्लेस बाय ओएच, ठीक है। वैसे ये है, अगर हम जिम डायहैलाइड की बात करें तो देखो जिम डायहैलाइड में क्या होगा, अगर कोई भी जिम डायहैलाइड ले लो, CH3CH, यहां पे कर लो Cl, यहां पे कर लो Cl, इसको अगर हम एक्वस KOH से रिएक्शन कराएंगे तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, Cl रिप्लेस बाय OH, तो एक OH यहां आएगा, एक OH यहां आएगा, एंड व्हेन टू OH ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम देन H2O रिलीजेस, बिकॉज जो जेम डायल है, जेम डाइऑल, वो हाईली अनस्टेबल होता है, H2O रिलीज कर देगा और ये बना देगा CH3CHO। देखो CHO बन जाएगा और H2O यहां से रिलीज हो जाएगा, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड या यूपीएससी नेम क्या है इसका, इथेनल, ठीक है, क्लियर। पॉइंट इज व्हाट, रिएक्शन विद केसीएन, जेम और विसनल डाइहैलाइड गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो अगर हम विसिनल डाइहैलाइड की बात करें, केसीएन से रिएक्शन करेगा तो सीएल की जगह पे सीएन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये के प्लस और सीएन माइनस है। फिर अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, H2O एडिशन, हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस, तो सीएन का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कीप इन माइंड, ये नोट कर लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है नोट इट डाउन, सीएन का जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है COOH में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इस सीएन की जगह पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इस सीएन की जगह पे भी क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ठीक है। अब जब अब विसनल जो डाई एसिड होता है, विसनल ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, वो हाईली क्या होता है, अनस्टेबल होता है, और जब भी अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहां से H2O निकल जाता है, ठीक है। तो H2O जब निकलेगा तो देखो ये H2O निकल गया तो ये कैनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। हम इसको समझने के लिए यहां पे करते हैं, देखो ध्यान देना, सबसे पहले हमने क्या लिया, CH2Cl लिया, CH2Cl लिया, ठीक है बेटे, इसको हमने KCN से रिएक्शन कराया तो Cl हटेगा, वहां पे क्या आ जाएगा, CN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, CH2CN एंड CH2CN। फिर हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस करने पे CN की जगह पे क्या आ जाएगा, COOH, CN की जगह पे क्या आएगा, COOH आएगा, CH2COOH, और यहां पे भी क्या आएगा, COOH, ठीक है बेटा, क्लियर। अब हमने इसको क्या किया, इसको हमने किया हीट, हीट करेंगे तो H2O निकलेगा, देखो HOH ये निकल गया, जब H2O निकलेगा तो ये क्या बन गया, सक्सिनिक एसिड है, दिस इज व्हाट, सक्सिनिक एसिड, तो ये बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड, एक एनहाइड्राइड बनेगा, ऑक्सीजन बच जाएगा, देखो CO CO और ये O, ये वाला बॉन्ड कहां जुड़ जाएगा, यहां पे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो दिस इज व्हाट, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सिमिलरली अगर हम जेम डाइहैलाइड को अगर हम केसीएन से रिएक्शन करते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये जो है एसिड बनता है, एल्केनोइक एसिड बनेगा। देखो इसको कैसे, हमने जेम डाइहैलाइड लिया, देखो ये सीएल है, सीएल हटेगा, सीएल की जगह पे सीएन आएगा, हमने किया हाइड्रोलिसिस तो सीएन की जगह पे क्या आ गया, सीओएच आ गया, यस। फिर हमने हीट किया तो कीप इन माइंड, जब हम किसी भी जेम डाइओइक एसिड को हीट करते हैं तो सीओ टू निकलता है, विसिनल डाइओइक एसिड को हीट करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा, जेम डाइओइक एसिड को हीट करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा। चलो इसको मैं यहां पे समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है 1,1 डाइक्लोरोइथेन, इसको हमने रिएक्शन कराया किसके साथ, केसीएन के साथ, ठीक है, क्या बनेगा बेटे, CH2CH3CH, यहां पे आएगा CN, यहां पे आएगा CN, फिर हमने इसका किया हाइड्रोलिसिस, जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये पे क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पे भी क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, फिर हम इसको जब हीट करेंगे यहां से देखो CO2 गैस निकल जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये है जेम डाइओइक एसिड, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3, अब ये H यहां पे आ जाएगा,
तो ये बन जाएगा CH2 और फिर CH2 आ गया, फिर COH को हम एजिटीज लिख देंगे, तो इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो यहां पे नोट करने वाली बात क्या है, नोट कर लो कहीं पे। व्हेन, पहला पॉइंट, व्हेन वी हीट जेम डाइओइक एसिड, जेम डाइओइक एसिड का मतलब एक कार्बन से, ठीक है, दो COH ग्रुप अटैच है, तो इसको बोलते हैं जेम डाइओइक एसिड। व्हेन वी हीट जेम डाइओइक एसिड देन CO2 गैस रिलीजेस, देन CO2 गैस रिलीजेस। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट लिखो यहां पे, व्हेन वी हीट विसिनल डाइओइक एसिड देन डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, H2O रिलीजेस। व्हेन वी हीट विसिनल डाइओइक एसिड, एग्जांपल ऐसे लिख लो, CH2COOH, ये विसिनल डाइओइक एसिड का एग्जांपल है, देन H2O का मतलब डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस, H2O रिलीजेस, मीन्स डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, क्लियर हुआ? तो हमने क्या पढ़ा कि अगर जेम डाइओइक एसिड है, ठीक है, अगर हम उसको हीट करते हैं तो CO2 निकलता है, ठीक है, अगर हम विसिनल डाइओइक एसिड को हीट करते हैं तो H2O निकलता है, मींस डिहाइड्रेशन होता है। ये चीजें बेटा माइंड में रखना है, ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है CN ग्रुप ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव COH, इसका मतलब ये हुआ कि CN का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये COH बनेगा, 2OH। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है कि 2 COH ग्रुप अटैच ऑन द सेम कार्बन एटम देन CO2 गैस रिलीजेस, ठीक है, एंड 2OH ग्रुप अटैच विद द सेम कार्बन एटम ऑन हीटिंग लूजेस H2O टू फॉर्म एनहाइड्राइड। ठीक है, तो नोट इट डाउन। और नेक्स्ट टॉपिक इज डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन मींस H हैलोजन का निकालना, ठीक है, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। Our next topic is dehalogenation. When 1,2 dibromoethane treated with ZN in presence of methyl alcohol, then it forms ethene as the main product. ठीक है, ZnBr2 निकल जाएगा। इस reaction को बोलते हैं dehalogenation reaction. ठीक है, इसको हम यहां समझते हैं। देखो, हमारे पास है क्या है, 1,2 dibromoethane. ठीक है, 1,2 डाइब्रोमोइथेन को अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे तो देखो, ये Br जो है जिंक के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ CH3OH, इट्स अ टाइप ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये बना देगा, जब यहां से देखो ये ब्रोमीन निकला तो ये क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस ZnBr2। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में काम में आएगा। तो ये क्या है, विसिनल डाइहैलाइड था, और देखो जेम डाइहैलाइड भी अगर निकलता है तो क्या बनाता है, ठीक है, ट्वाइस कार्बन प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम हमारे पास एक कंपाउंड है, ये जेम डायलाइट, जेम डायलाइट का एग्जांपल क्या है, CH3 CH2 CH Br और यहां पे कर दिया हमने Br, इसके आइडेंटिकल दो प्रोडक्ट ले लो, प्लस CH Br Br और ये जो है CH2 CH3, इसको हमने रिएक्शन किया किसके साथ, जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो देखो ये क्या बनेगा, ZnBr2 यहां से निकलेगा और ये दो ब्रोमीन निकल जाएगा, फिर ये भी दो ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक है, और ये क्या, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना देगा, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बनाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 प्लस ZnBr2। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, क्लियर। अब देखो, अगर हम 1,3 डाइब्रोमो प्रोपेन लेते हैं, ठीक है, अल्फा कमा ओमेगा डाइहैलाइड लेते हैं, तो
तो इसमें क्या बनता है, एक साइक्लो ग्रुप आ जाता है, रिंग का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने लिया CH2 BR, इसको बेटे हमने रिएक्शन कराया जिंक के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। ये देखो ZnBr2 पहले निकल जाएगा, ठीक है, और ये क्या बना देगा, CH2, 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 ये साइक्लोप्रोपेन बना देगा और ZnBr2। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नोट इट डाउन।